नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्ते दीदी, बैसाखी की बधाइयाँ। अरे अरे, आपको भी लग लग बधाइयाँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस त्योहार के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, मुझे बताओगे? हाँ दीदी, ये त्योहार पंजाब के खेतों में फसल के पक जाने पर धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो इसे किसानों का त्योहार कह सकते हैं, पर चाहे कोई कुछ भी काम करता हो, खेतों में फसल पकने की खुशी तो सभी मनाते हैं साथ में मिलकर। सही कहा बच्चों, ये त्योहार खरीफ फसल के पकने पर धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नए नए कपड़े पहनकर अपने परिवारों और दोस्तों के साथ खूब मजे करते हैं। चारों ओर माहौल भांगड़ा और गिद्दा जैसे नाचों से खिल उठता है। दीदी, भांगड़ा और गिद्दा तो एक ही नृत्य के रूप होते हैं ना? हाँ, भांगड़ा में पारंपरिक रूप से पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, जबकि गिद्दा में स्त्रियां ही एक गोला बनाकर नाच करती हैं। दोनों ही बहुत ही ऊर्जावान नाच होते हैं। मुझे भी भांगड़ा करना है दीदी। मस्त नाचे आप लोग। जानते हो, गुरुद्वारा में इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब से बहुत सारे गीत और कीर्तन किए जाते हैं और भारी मात्रा में लोग कर सेवा यानी गुरुद्वारा की सेवा के लिए मजदूरी किया करते हैं और जगह जगह जाकर कड़ा प्रसाद बांटते हैं। कड़ा प्रसाद मतलब? कड़ा प्रसाद एक खास तरह का सूजी का हलवा होता है। जानते हो बच्चों, ये त्योहार सिर्फ पंजाब में ही नहीं मनाया जाता। तो और कहाँ कहाँ मनाया जाता है दीदी? ये आसाम, बंगाल और केरल में भी मनाया जाता है, बस वहाँ इस त्योहार के नाम अलग अलग हैं। अलग नाम मतलब? मतलब फसल पकने की खुशी में मनाए जाने वाले ये त्योहार असम में बिहू, बंगाल में नबावर्ष और केरल में पूरम विशु के नाम से मनाए जाते हैं। नाम जो भी हो, मगर इस त्योहार के दिन को ही इन सभी प्रदेशों में नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है। ओ, ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी आपने दीदी। भारतवर्ष में लोग मिलकर कितने भिन्न भिन्न त्योहार भिन्न भिन्न तरीकों से आनंद लेते हैं ना? हाँ बच्चों, अब इस त्योहार के पीछे की कहानी भी जानना चाहोगे? हाँ दीदी, हमें कहानी सुनाइए ना। हाँ तो सुनो, असल में ये कहानी सन 1699 की है। 13 अप्रैल के दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी के साथ इस दिन को मनाना शुरू किया गया था। साथ ही आज के ही दिन पंजाब के नए साल की शुरुआत भी होती है। बैसाखी के पर्व पर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक खास दीवान यानी सभा आयोजित करवाई थी। गुरु जी की बातें सुनने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए और सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो नव वर्ष के दिन इतने बड़े समारोह का आयोजन किया गया है। जरूर कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले होंगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने तंबू में से बाहर निकले। वे लोगों की इतनी बड़ी भीड़ देखकर बहुत खुश हुए और अपनी तलवार को बाहर निकालकर अपनी बुलंद आवाज में बोले, आप लोग ही मेरे लिए सबसे प्यारे हैं और आप ही मेरी ताकत हैं। लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा है जो अभी इसी वक्त मेरे लिए अपना सर कलम करवाने की क्षमता रखता हो? बोलो, है कोई? ये सुनकर एक क्षण के लिए सभी भयभीत हो गए। आखिर गुरुजी ऐसा क्यों मांग रहे हैं? वे सब ये सोच ही रहे थे कि इतने में गुरुजी ने अपना वाक्या दोहराया, क्या है कोई ऐसा मेरा प्यारा जो मुझे अपना सिर दे सके? है कोई जो इसी क्षण मेरी इस मांग को पूरा कर सके? इतने में उसी भीड़ से दयाराम नाम का एक शख्स आगे बढ़ा और बोला, गुरुजी, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ। ये जीवन आपका ही दिया हुआ है, तो इसके चलने या खत्म करने का अधिकार भी आपको ही है। गुरुजी खुश हो गए और दयाराम को अपने साथ बुलाकर अपने तंबू में अंदर ले गए।
परंतु कुछ देर बाद जब वे बाहर निकले तो दयाराम उनके साथ नहीं था और उनकी तलवार से खून बह रहा था। खून? मतलब गुरुजी ने दयाराम को मार दिया? हाँ। वहाँ जमा हुई सभा को भी ऐसा ही लगा और सब घबरा गए। खून से भरी तलवार उठाकर गुरुजी एक बार फिर बोले, है कोई और जो आगे बढ़कर अपना सिर कलम करवा सके? अब जहाँ कुछ लोग अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं इस भीड़ से धर्मदास आगे बढ़े अपने गुरुजी के लिए अपना बलिदान देने। फिर दीदी? फिर क्या, गुरुजी उसे भी तंबू में लेकर चले गए और जब बाहर आए तब गुरुजी फिर अकेले थे। ये देखकर तो सब डर से कांपने लगे और एक बार फिर गुरुजी ने वही मांग की। फिर से? अब तो सब लोग भाग ही गए होंगे वहाँ से। नहीं, एक एक करके लोग उनके लिए बलिदान देने के लिए आगे आते रहे। इसी सिलसिले में मोहकम चंद, हिम्मत राय और साहिब चंद भी उनके साथ तंबू में गए और जब जब गुरुजी बाहर आते तब तब उनकी तलवार पर लगा खून बढ़ता जाता। फिर आखिरकार गुरुजी लंबे समय के लिए तंबू में चले गए। वहीं बाहर सब घबराए हुए बेसब्री से गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। सवाल सभी के मन में था कि क्या गुरुजी ने सच में इन 5 नौजवानों को मार दिया है, लेकिन कोई भी आगे आकर गुरुजी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काफी समय बीत गया, बाहर लोग डरे सहमे गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। आखिर उनका इंतजार खत्म हुआ और तंबू से केसरी रंग के लिबास में 5 नौजवान हाथों में हाथ डाले बाहर आए। उनके सिर पर सुंदर केसरी रंग की एक ही प्रकार की पगड़ी बंधी हुई थी। 5 लोगों के साथ गुरुजी भी ठीक उसी प्रकार की वेशभूषा में बाहर निकले। यह वही 5 नौजवान थे जो कुछ देर पहले ही गुरुजी के कहने पर अपना सिर कलम करवाने के लिए आगे आए थे। इन 5 नौजवानों के साथ एक बार फिर गुरुजी मंच के बीचों बीच पहुंचे और बोले, सिख धर्म नु अपने 5 प्यारे मिल गए हैं। मेरी अनुपस्थिति में सिख धर्म से जुड़ी गतिविधियों की देखरेख इन्हीं 5 प्यारों के हाथ में होगी। इसलिए बैसाखी के दिन पर बड़े बड़े धार्मिक जुलूस भी निकाले जाते हैं और इसका संचालन 5 प्यारों के हाथ में ही होता है। बच्चों, ऐसे ही उन 5 नौजवानों ने गुरु गोविंद साहब को अपना गुरु व भगवान माना था, इसलिए उन्हें उन पर इतना भरोसा था कि उनकी किसी आज्ञा को मानने से पहले वे एक पल भी ना सोचते, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। ऐसा था उनका भरोसा और ऐसी थी उनकी बहादुरी अपने गुरु के प्रति। बैसाखी का त्योहार हमें यही याद दिलाता है कि सिख धर्म के इन 5 प्यारों की तरह हम सबको भी बहादुर एवं त्यागी होना चाहिए और एकदम निडर रहकर भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अरे वाह दीदी, बैसाखी की कहानी तो बड़ी रोचक है। हम भी दयाराम, धर्मदास, मोहकम चंद, हिम्मत राय और साहिब चंद की तरह निडर बनेंगे और अपने गुरु व भगवान पर इतना भरोसा रखेंगे कि उनके लिए हर त्याग खुशी खुशी कर सकें। अरे बहुत बढ़िया, यही तो है बैसाखी के त्योहार को मनाने का उद्देश्य। इतनी बढ़िया कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद दीदी। और इतनी बढ़िया तरीके से कहानी को समझने के लिए और उसे मन में धारण करने के लिए आपको धन्यवाद बच्चों। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। धन्यवाद।